वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 12.2, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है। यहाँ डायग्राम में सर्कल बनाया हुआ है 15 सेंटीमीटर रेडियस ओ ए ओ बी। यही सर्कल जो है इसमें कॉर्ड है ए बी, जो क्या कर रहा है सेंटर के ऊपर एक एंगल सबटेंड कर रहा है और उस एंगल का मेजर क्या है 60 डिग्री। एंगल सबटेंड बाय दिस कॉर्ड इज 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, इट्स अ रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट इज कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। अगर ये है आर्क और ये है इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, इसके बीच में ये जो एरिया है हमें निकालना है ये एरिया कितना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करेंगे। सेक्टर का नाम हम देंगे ओ ए, यहाँ पे एक और पॉइंट हम इसमें लोकेट करेंगे ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए ट्राइंगल और सेक्टर को। ओ ए पी बी सेक्टर, इसका एरिया निकालेंगे। उसके बाद हम दूसरे स्टेप में एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालेंगे, और जब पूरे में से सेक्टर में से ऊपर वाला पोर्शन जो है ट्राइंगल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां पे जो रिमेनिंग रहेगा वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रेडियस हमें दिया है, रेडियस आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, रेडियस का वैल्यू दिया है। नेक्स्ट स्टेप में थीटा एंगल ऑफ सेक्टर जिसको हम बोलते हैं वो दिया है 60 डिग्री, और हमें क्या दिया है रेडियस 15 थीटा 6, ये दो चीजें हमें दी है। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, इसको हमने नाम रखा ओ ए पी बी, इसका वैल्यू क्या आएगा थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये है इसके लिए फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए ये हमारे पास है फॉर्मूला। वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो आएगा थीटा की जगह 360 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू पाई की जगह हम लेंगे 3.14, 22/7 भी ले सकते हैं, इंटू आर स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस जो है वो 15 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 और 0 कैंसिल, 6 1 6 6, ये आएगा 3.14 इंटू 15, दो बार है मल्टीप्लाई, 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 6। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3.14 इंटू 15 इंटू 15 हो गया 225 डिवाइडेड बाय 6। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जो न्यूमरेटर में है यह आएगा 706.5 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें आया एरिया ऑफ सेक्टर। अब दूसरा चीज जो है वो हम लेंगे ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी, यहां पे हम नोट करेंगे इस ट्रायंगल में एंगल ओ जो है वो 60 डिग्री दिया है, और साथ में हमें पता है ओ ए जो है वो रेडियस है, ओ बी जो है वो रेडियस है, दोनों इक्वल होंगे। और एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होंगे उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो विच एम्प्लाई एंगल बी होगा एंगल ए के बराबर। ठीक है, इसी ट्रायंगल में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग एंगल सम
प्रॉपर्टी इसी ट्रायंगल के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर है, इन दोनों के बदले लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल ए प्लस एंगल ओ जो है 60 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 को ट्रांसफर करेंगे राइट साइड, दिस विल इम्प्लाई ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू क्या आएगा, 180 माइनस 60 इज 120 और ये वाला 2 इसको डिवाइड हो जाएगा, 120 बाई 2 इज 60 डिग्री विच इम्प्लाई इस ट्रायंगल में क्या है, एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और तीनों का वैल्यू क्या आता है 60 डिग्री आता है। वो ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल्स इक्वल होंगे 60 डिग्री के, दैट ट्रायंगल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल विच इम्प्लाई ट्रायंगल ओ ए बी जो है इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्मूला है रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब साइड हमें कौन सा दिया है, यहां पे साइड हमें दिया है ये है साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये भी है साइड ऑफ द ट्रायंगल। अगर ये 15 है ये 15 है तो ये भी जरूरी 15 ही होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एक साइड की जगह यहां पे क्या सबक शूट करना है, साइड की जगह यहां पे हमें सबक शूट करना है 15 या अगर रूट 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 15 स्क्वायर। रूट ऑफ 3 इज 1.73 इंटू 15 स्क्वायर इज 225 डिवाइडेड बाई 4। इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। वैल्यू क्या आता है, वैल्यू आता है 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आएगा, डायग्राम से अगर हम देखेंगे इस पोर्शन का एरिया कैसे आएगा, अगर हम करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें निकालना है, माइनर सेगमेंट का एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर जो हमने निकाला माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमने निकाला। एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू हमें क्या आया था, 117.75 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्या आया था, 97.31। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू रिड्यूस होके क्या आता है, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमें आया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब इसी क्वेश्चन में हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी। मेजर सेगमेंट हमें क्या आएगा, जैसे ये हमारे पास एक सर्कल था, इस सर्कल का अगर एक पोर्शन क्या है, माइनर सेगमेंट है, तो दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा मेजर। तो अगर ये माइनर है दूसरा बनेगा मेजर। अगर माइनर का एरिया हमने निकाला है, मेजर का एरिया, मेजर सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, हम करेंगे एरिया ऑफ सर्कल को माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। वही चीज हमें यहां पे भी यूज करना है। ऑल्सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट किसके बराबर आएगा, वो आएगा एरिया ऑफ सर्कल, ये जो पूरा सर्कल है मीन्स पूरा एरिया, माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो हमने नीचे माइनस सेगमेंट का एरिया निकाला वो माइनस करेंगे इसमें से। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो हमने यहां पे निकाला 20.44। पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू क्या है 15 है, यह आएगा 15 इंटू 15 माइनस 20.44।
3.14 इंटू 15 इंटू 15, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 706.50 माइनस 20.44। दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें आया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें निकालनी थी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। थैंक यू।